उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आपको पहले जल्दी से टाइम दिखा देती हूँ। एक टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:32 यहाँ पे, पाकिस्तान में 11:32। तो मैं उठी हूँ। असल में मुझे इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी नींद अपने पूरे प्रेगनेंसी फेज में नहीं आई। मैं कल सारा दिन सोई हूँ, फिर रफ्तारी करने बाहर गए, फिर वापस आए, फिर मैं सोई हूँ, फिर सहरी के लिए जस्ट उठी हूँ आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैं दोबारा सोई हूँ और अभी उठी हूँ। समझ नहीं आ रही कि ऐसी मुझे प्यारी नींद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अभी मैं फ्रेश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये चिकन निकाला है, इसको डिफ्रॉस्ट होने छोड़ दूँगी, और ये दालें मैंने रात को ही भिगो दी थी क्योंकि आज मैं बनाऊंगी हलीम, ये वाला शान शान शाही हलीम मिक्स। तो इसमें दालें आती हैं और साथ में मसाला, और इसकी सर्विंग आप देखें 5 to 6। तो इसको हाफ डिवाइड किया है मैंने, लाइक हाफ दालें ली है मैंने, हाफ मसाला भी ली और हाफ पैकेट ये डालूंगा। तो हाफ दालें हैं, हाफ मसाला डालूंगी मैं, और ये चिकन डालूंगी। ये चिकन बेस्ट है मेरे पास, तो ये डालूंगी और साथ में हड्डी वाला गोश्त भी थोड़ा सा डाल दूंगी। तो ये हमारा ये हो गया खाने की तैयारी। साथ में मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, ब्रूमिंग कर लूँगी, मोपिंग कर लूँगी, और साथ में ये डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, बस ऊपर ऊपर से कर लूँगी ताकि फिर थकावट ना हो। तो बस ये मैं अब साफ करती हूँ, फिर आप उनको दिखाती हूँ सारा, ठीक है? तो हाँ जी, तो क्लीनिंग हमारी हो गई और रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की क्योंकि बोरिंग हो जाता है, क्या बंदा आप क्लीनिंग रिकॉर्ड करता रहे। तो घर साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भर के फ्रिज में रख देते हैं। ये भी साफ, रूम भी साफ। तो अब किचन में जाकर ये दाल भिगोने रख देते हैं स्लो फ्लेम पे, क्योंकि 3-4 घंटे पकती रहे। फिर भिगोती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये हमारा हाफ पैकेट डाली, और इसमें मैंने चिकन की 4 पीसेस डाले हैं। चिकन को मैं तकरीबन 25-30 मिनट्स बाद निकाल लूँगी, और दालों को तकरीबन 2-2.5 घंटे तो बॉईल करूँगी स्लो फ्लेम पे। और ये हाफ पैकेट मसाला है, हाफ मैं इसमें डालूँगी और हाफ तड़के के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा सा तड़के के लिए छोड़ दूँगी, बाकी सारा मैं इसमें डाल दूँगी। चलिए मैं डालती हूँ, फिर यहाँ पर बॉयल होने इसको रखती हूँ। हाँ जी, तो ये चिकन मैंने 20 मिनट्स बाद निकाल कर इसको श्रेड कर दिया है, और ये हमारी दाल है। तो ये थोड़ी ठंडी होती है, अभी गर्म है काफ़ी, तो थोड़ी ठंडी होती है, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। तो इसको तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं, और ये तो मैंने 20 मिनट्स बाद ही निकाल लिया था, और ये इसको 2.5 घंटे लगे हैं। तो ये ड्राई होती है, उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसमें ये चिकन डाल देते हैं सारा। ये डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको तड़का लगाएंगे। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये ऑयल में हमने प्याज डाला है, और ऑयल मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि इसी ऑयल में फिर मैंने तड़का भी बनाना है हलीम के लिए, तो ये फ्राई हो जाए। अच्छा, आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप ठंडे ऑयल में प्याज डालेंगे ना तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है ओबियसली, बट बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ऑयल ठंडा हो, आप प्याज डालें, फिर उसको अच्छे से फ्राई करें। तो जब फ्राई होते हैं फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? और मैं हलीम दिखा देती हूँ, हमारी हलीम। इसको तड़का बाद में लगाऊंगी जब सर्विंग टाइम होगा तब। तो अभी फिलहाल ये फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है सारी,
लेमन चिली और धनिया। तो बस चलिए ये फ्राई हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये प्याज हमारा फ्राई हो गया है, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो ये फ्राई हो गया, ऑयल में इसी ऑयल में तड़का बनाएंगे, बट वो अभी नहीं, जब सर्विंग टाइम होगा तब बनाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, इफ्तार में 10 मिनट्स रहते हैं तो तड़का बना लेते हैं। और मैंने कुछ फ्राई नहीं करना क्योंकि हस्बैंड कहते हैं मैंने कोई भी फ्राइड चीज़ नहीं खानी, बस डायरेक्ट खाना खाऊँगा। तो डिनर ही करेंगे, तो मैं तड़का बना लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ, फिर इफ्तार टेबल पर मैं आपसे डायरेक्ट मिलती हूँ। ठीक है, चले बाय। हाँ जी, तो ये इफ्तार के बाद का टाइम है, 9:24 हो रहे हैं। तो आज हमने डायरेक्ट डिनर कर लिया था, तो थोड़ा टाइम था, हमने कहा चलो कोई फनी मूवी देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मूवी देख रहे थे, संता बनता मूवी नाम, मूवी का नाम है। बहुत अच्छी मूवी थी वैसे, फनी थी। तो बस मूवी देखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि तो ये बर्तन साफ, किचन साफ, और अभी हमने थोड़ी सी मूवी देखी है और मूवी देखते देखते मैं सो गई थी। अभी मेरी आँख खुली है, 11 बज रहे हैं, तो अभी मैं शावर लेती हूँ और ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। ये फेस मास्क लगाना है शावर लेने से पहले, तो ये ड्राई होगा तब तक मैं, ये ड्राई होगा उसके बाद मैं नहा लूँगी और ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।